गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर 2 टीथ एंड डाइजेशन, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ा। आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। ये पिक्चर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का है, सो लुक हियर केयरफुली, इसे अच्छे से देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? द प्रोसेस थ्रू विच द फूड वी ईट गेट्स कन्वर्ट इन टू सिंपल फॉर्म विच द बॉडी कैन बी अब्सॉर्ब कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी फूड हम लेते हैं नॉर्मली, जो भी हम खाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म, यानी कि साधारण रूप में उसे बदलते हैं, ताकि हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके, उसे ले सके, और इसी प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सेवरल ऑर्गेन वर्क टूगेदर टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गेन एक साथ वर्क करते हैं ताकि इस सिस्टम को हम कम्प्लीट कर सके। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आप बता सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप जो भी न्यूट्रिशन पोषक तत्व खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, आपके बॉडी को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी कुछ भी आपके बॉडी में जो आप लेते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं इसी प्रोसेस से, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। और हमें जीवित रहने के लिए फूड बहुत जरूरी है, एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोसेस भी बहुत जरूरी है। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिशन नीडेड बाय आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। फूड ही हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन देता है, ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे। और वो वर्क कैसे करेगा? बाय दिस प्रोसेस। बट आवर बॉडी कैन नॉट यूज द फूड एज इट इज। जैसे हम खाते हैं वैसे ही हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसे पचा नहीं सकता है, ले नहीं सकता है, जब तक वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट ना करे। सो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब ये प्रोसेस को हम कैसे करते हैं, इसको आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, पढ़े ही हैं, सो ऑलरेडी यू हैव टू रिमेम्बर, आपको याद भी होगा। अगर नहीं याद होगा तो भी मैं बता रही हूँ। हमारा बॉडी छोटे छोटे सेल का बना होता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गेन। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मेक्स अ सिस्टम। सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम किसे कहते हैं? डाइजेशन तो आप समझ गए, अब सिस्टम भी जानिए, सिस्टम किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे ही बहुत सारे ऑर्गन मिलके इस सिस्टम को बना रहे हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल माउथ, फिर ओसोफेग्यू, फिर आपको फूड पाइप, दोनों का सेम ही चीज है, दोनों का दो नाम है, और लीवर, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह। ये सब ऑर्गन जब एक साथ फंक्शन करते हैं तो इसे हम सिस्टम कहते हैं। सो टिश्यू मिला एक साथ तो बना आपको, सॉरी टिश्यू एक साथ मिला तो बना ऑर्गेन, ऑर्गेन एक साथ मिला तो क्या बना? आपका सिस्टम फॉर्म किया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है, कैसे ये काम करता है। डाइजेशन बीइंग इन द माउथ, डाइजेशन शुरू होता है मुंह के द्वारा, यानी कि आपके माउथ के द्वारा। आप कोई भी खाना जब लेते हैं तो वो अपने मुंह के द्वारा ही लेंगे, हेयर, देन आप इसको च्यूइंग करेंगे यानी चबाएंगे। किसके द्वारा? आपके टीथ के द्वारा। ये आपका टंग है, इसके जस्ट नीचे सेलिवरी ग्लैंड है, इससे सलाइवा निकलता है, यानी कि एक एंजाइम निकलता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी खाना पचाने में मदद करता है। हम जो कुछ भी खाते हैं जब मुंह से चबाएं तो सेलिवरी ग्लैंड उसमें मिल गया और इसे मॉइस्ट कर दिया, यानी नरम सॉफ्ट बनाता है, ताकि उसे हम आसानी से निगल सके। थ्रू दिस पाइप, इस पाइप को हम क्या कहते हैं? इस पाइप का नाम है फूड पाइप भी इसे बोलते हैं, और ओसोफेग्यू भी बोलते हैं, इसका दो नाम है। इसके द्वारा ही हम फूड कहां पहुंचाते हैं? स्टोमक में पहुंचाते हैं। दिस इज स्टोमक, यहां पहुंचाते हैं। अब स्टोमक का ही कुछ अपना फंक्शन होगा, कुछ काम होगा। तो स्टोमक का क्या काम है? जो फूड पार्टिकल ऑलरेडी हम लोगों ने अपने मुंह से लिया फिर चबाया, वो थोड़ा छोटे छोटे बाइट में कन्वर्ट हो गया, देन अगेन फिर से उसे और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन किया, यानी कि और छोटा किया, और वो ग्राइंड किया, उसको पीसा, ताकि वो पेस्ट लाइक हो जाए। सो द वर्क ऑफ स्टोमक इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये ब्रेक डाउन करता है फूड को और छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करता है, जो माउथ पहले ही किया, फिर स्टोमक भी उसको और छोटे टुकड़े में किया, देन कहाँ भेजा वो? तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा। ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके द्वारा यहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, लुक हियर। और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या वर्क है? उसका भी अपना कुछ वर्क होगा। तो ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड पार्टिकल है जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन है, यानी छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट है, ताकि पेस्ट लाइक वो फॉर्म में हो गए हैं, उसे क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा, यानी इसके वॉल, दीवार को बोलते हैं वॉल,
ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका वॉल क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि ले लेगा और पूरे बॉडी के पार्ट में भेजेगा ताकि न्यूट्रिशन मिल सके। और कुछ पार्टिकल्स जो बचे हुए हैं, जो बेकार हैं, उसको लगता है कि नहीं मेरे ये काम का नहीं, वो फिर क्या करेगा, फर्दर इसको ये लार्ज इंटेस्टाइन को दिया, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, इसको दिया। और ये क्या करेगा, इसका भी अपना कुछ वर्क है, ये क्या करता है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हेयर, जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी वाटर लाइक थिंग्स है, जैसे कि लिक्विड है, तो उसका पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, उसका वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि उसको एकदम ड्राई कर दिया, उसका वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर जो रेस्ट पार्ट है उसको हम फेसेस भी बोलते हैं, यानी कि मल भी बोलते हैं, उसका अनदर नाम, वेस्ट प्रोडक्ट का नाम भी है फेसेस, FACES, फेसेस इज नोन एज वो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अवर बॉडी, और उसको हिंदी में मल भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं। इस रूप में जो बच गया, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो बच गया, उसे ये एनस और रेक्टम बोलते हैं, इस पार्ट से बाहर आपको निकाल दिया। सो द होल प्रोसेस इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन। अब आप पूछेंगे कि लीवर जो इसमें दिया, इसका फंक्शन तो मैं आपको बता ही नहीं। हाँ, ये लीवर जो वर्क करता है, आपको लीवर जो है अकेले वर्क नहीं करता है, ये क्या करता है, ये वर्क करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, इसके साथ मिलके ये, इसमें भी एंजाइम होता है, जैसे मुंह पे था ना, आप देखें टंग के नीचे जस्ट सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा दिया, तो इसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, खाना पचाने में मदद करता है। जो लोगों का लीवर अच्छे से वर्क नहीं करता, उसको डाइजेशन नहीं होता, पेट खराब हो जाएगी, उल्टी फील होगा, यानी कि डाइजेशन नहीं होगा, सो क्या करते हैं डॉक्टर, उसको लीवर टॉनिक देते हैं ताकि उसका लीवर अच्छे से वर्क करे और डाइजेशन करे। तो ये लीवर क्या करता है, अपना एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन को दिया, इसके साथ मिलके ये प्रॉपर फंक्शन करेंगे, वर्क करेंगे, इसके साथ मिलके ये आपको वर्क किया और खाना जो है एब्जॉर्ब करने में मदद किया। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है और लार्ज इंटेस्टाइन वाटर पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सॉलिड भी लेता है लिक्विड भी, और ये केवल लिक्विड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है, सॉलिड को बाहर निकाल देता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लुक हियर, दिस इज एनस, इसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। सो पूरा प्रोसेस आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि खाना कैसे, फर्स्ट यहाँ खाना आया, फिर पाइप के द्वारा यहाँ आया, फिर हमारे स्टोमक में गया, स्टोमक में फिर से ये छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हुआ, देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लीवर अपना एंजाइम और इसके साथ मिलके क्या किया, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया खाना के पार्टिकल्स को, यानी कण को, और पूरे बॉडी को दिया। अब जो बचा हुआ पार्ट था वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां जाके फिर यहाँ से लिक्विड एब्जॉर्ब हुआ, ओनली लिक्विड। अब सॉलिड पार्टिकल जो बचा हुआ वेस्ट, वो एनस के द्वारा बाहर निकल गया, जिसे हम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब अगर किसी का डाइजेशन वीक हो जाता है, पेट खराब होता है, तो क्या होगा, उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत सारी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक प्रॉपर वर्क नहीं करता है, ये फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं किया, ये लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं किया, और आपको वो वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा सारा चीज बाहर निकल गया, यानी कि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिला, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिला, सारा वेस्ट के द्वारा वो बाहर निकल गया, तो आपको वीकनेस फील होगी, आपको कमजोरी होगी। तो हमारा डाइजेशन होना और अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी आप लोगों ने डाइजेशन को समझ ही गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हम कैसे खाना खाएं ताकि हम स्वस्थ रखें, हमारा ईटिंग हैबिट कैसा हो, यानी हमारे आदत, कुछ आदतें हैं जिसे हम इम्प्रूव करें ताकि हमारा ईटिंग हैबिट, हम स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े। सो फर्स्ट इज वॉश योर हैंड प्रॉपरली विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर, आपको हमेशा अपनी हाथ को अच्छे से धोना चाहिए ताकि आपके हाथों के द्वारा जर्म ना जाए, पहले और बाद में, खाने के पहले भी धोना चाहिए, बाद में भी धोना चाहिए। नेवर डू एनी अदर वर्क्स वाइल ईटिंग, आप जब भी खाना खाते हो उस समय आप कोई भी अदर वर्क ना करें, केवल आप खाना ही खाएं। बहुत बच्चे टेलीविजन देखते हैं, बहुत बच्चे म्यूजिक सुनते हैं, बहुत बच्चे अदर बात करते हुए खाते हैं, सो इट इज बैड हैबिट, रिमूव इट, इसको हटाइए, ये गंदी आदतें हैं। नेक्स्ट टेक स्मॉल बाइट, आप छोटे छोटे बाइट्स लें, छोटे छोटे टुकड़े खाएं, जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा बाइट्स ना लें, गले में अटक जाएगा, आपको बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ईट स्लोली, च्यूइंग फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग इट, स्वॉलो इट, अगर आप धीरे धीरे खाएंगे, अच्छे से चबाएंगे, तो आसानी से आप उसे निगल सकते हैं। सो आपको धीरे धीरे खाना चाहिए और आसानी से धीरे धीरे स्लोली खाना चाहिए, च्यूइंग करना चाहिए, चबाना चाहिए प्रॉपरली, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए छोटे छोटे बाइट्स में, आप उसे निगल सकें।
डू नॉट स्वॉलो फूड विथ वाटर विदाउट च्यूइंग इट प्रॉपरली। आप जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में चबाए ना और उसे पानी के द्वारा ना निगले। बहुत बच्चे होते हैं कि खाना को बड़े बड़े बाइट लेते हैं और पानी के द्वारा जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, जो लंच टाइम करते हैं ताकि वो खेल सकें। सो डोंट डू लाइक दिस, ऐसा ना करें। इंक्लूडिंग गुड अमाउंट ऑफ रफेज इन डाइट, और अच्छी अमाउंट में रफेज भी लें अपने खाने के साथ। रफेज और फाइबर हेल्प कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। रफेज का काम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से रखता है, प्रॉपरली वर्क कराता है, सो वो भी लीजिए। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, और पानी भी पर्याप्त मात्रा में लीजिए। प्लेंटी मतलब जितना आपको बॉडी में जरूरत हो उतना लें, ना कि कम ना कि बहुत ज्यादा। सो ऑलरेडी आई फिनिश दिस चैप्टर ऑल टॉपिक्स, दिस इज योर होमवर्क। आप इसे होमवर्क के रूप में करें, अपनी कॉपी में उतारें और लर्न भी करें। एंड कीवर्ड, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, इसे भी लर्न कीजिए, लर्निंग वर्क है। आप इसे कॉपी में उतारिए और लर्न कीजिए। आई होप आप लोग अच्छे से इसे समझ गए होंगे सारे चैप्टर को, और अपनी कॉपी फेयर वर्क भी करते रहिए। थैंक यू, बाय।